एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना शेयर दीज लिपस्टिक्स। दीज आर पर्पल ऑलवेज ऑन मैट लिक्विड लिपस्टिक्स। सो इनका आज मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल रिव्यू एंड स्वेचेस शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, अगर मैं इन लिपस्टिक्स की बात करूं, मेरे पास दो शेड है नाउ। फर्स्ट वन इज 05 कॉफी केक एंड नेक्स्ट वन इज 14 चेरी किस। तो मैंने इनके दो शेड ट्राई किए एंड ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स हैं जिनको मैं कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ। सो आई थॉट मेरी ये फेवरेट है तो मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं इनकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। जो इसकी आउटर पैकेजिंग है ये इस तरीके की कार्डबोर्ड, बहुत ही सिंपली जैसे नॉर्मली सारे लिपस्टिक्स के आती हैं वैसे ही है। बट ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव इसलिए लगती है बिकॉज ये सिल्वर आउटर पैकेजिंग है एंड इस बॉक्स में आपको सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, प्राइस मेंशन है, कितने ml की है, सारी आपको सारी क्वेरीज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ इसमें मेंशन है इस आउटर पैकेजिंग में। एंड यहाँ पर आपको आपका शेड मिल जाएगा। सो जो ये शेड है वो है 05 कॉफी केक। कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा शेड लग रहा था एंड ये ऐसे भी लगाने में बहुत ही प्रिटी शेड है। नाउ अगर इसकी इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके की इनर पैकेजिंग है जो कि बहुत ही सही पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी। ये कुछ गोल्ड एंड जो आपका लिपस्टिक का कलर होगा, शेड होगा, वो यहाँ पर मेंशन होता है। जैसे कि जो दूसरी मेरा और कोई कलर अगर रेड होगा तो रेड शो होगा, ब्राउन है तो ब्राउन, तो ये ना मेरी कॉफ़ी कलर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉफ़ी कलर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो आप मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी कहीं रख दूँ तो मेरे को यहाँ कलर से पता चल जाएगा कि ये कौन सी लिपस्टिक है। सो ये मुझे बहुत सही पार्ट लगा इस लिपस्टिक का। नाउ देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी लग्जूरियस लगती है। ओके, सो क्वांटिटी की बात करूँ तो 6.5 ml आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा इसके अंदर। सो अब मैं इसकी एप्लीकेटर की बात करूँ तो इसका एप्लीकेटर बहुत सही है, बिल्कुल भी फ्लिमजी नहीं है, बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है लिप्स पे। जब जब मैंने इसको अप्लाई किया बहुत ही ईजिली अप्लाई होता है लिप्स पे। नाउ इसकी स्टेइंग पावर की बात करूँ तो ये आपके लिप्स पे कहीं नहीं जाने वाली है। 8 to 10 hours तक आप इसको ईजिली अप्लाई करके रख सकते हो। मतलब मैं जब अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ ना तो आराम से मैं कुछ भी कैसा भी जितना भी मेल करूँ बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं रिमूव होती है लिप्स पे। बट अगर आप ज़्यादा ऑयली आप मिल टेक करोगे देन ये थोड़ा बहुत लिप्स से बीच के जो मिड पार्ट होता है ना वहाँ से ये थोड़ा सा वाइप ऑफ होने लगती है। अदरवाइज लिपस्टिक उसी जगह स्टे रहती है, 8 to 10 hours कहीं भी नहीं जाती है। नाउ मैं इसका एक हैंड स्वैच आपको वन स्वैप में दिखा दूँ तो आप देख सकते हो इतनी क्रीमी है, बहुत ही अल्ट्रा मैट फिनिश देती है लिप्स पे। एंड ये मेरा बहुत ही सही लिपस्टिक, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक है। ये शेड भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। अगर आप डेली वेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कोई ऐसी लिपस्टिक सर्च कर रहे हो, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। एक तो ये मैट है, दूसरी इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा सही है, वन स्वैप में ये बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ देती है। एंड गाइस, इसकी बेस्ट पार्ट जो है ना कि ये जो लिपस्टिक्स हैं ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। सो मेरे को ये लिपस्टिक्स बहुत बहुत ज़्यादा सही लगी। जो मेरी सेकंड लिपस्टिक है ना, जो मेरा शेड है 14 चेरी किस, ये भी बहुत ही प्रिटी मॉवी पिंक शेड है एंड वन स्वाइप में आप इसका कलर देख सकते हो, इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी पिगमेंटेशन, इसका स्टेइंग पावर, मतलब ओवरऑल ये लिपस्टिक वर्थ है। नाउ प्राइस की बात करूँ तो एक लिपस्टिक आपको पड़ती है 550 rupees की। बट आप सब जानते हो पर्पल में हमेशा कुछ कुछ टाइम तक, लेकिन हमेशा बार बार सेल आती ही रहती है। स्पेशली लिपस्टिक्स में तो बहुत ज़्यादा सेल रहती है एंड हमेशा वहाँ पर ऑफ़र चलता है बाय वन गेट वन। सो मैं आपको तब रिकमेंड करूँगी कि आप बाय वन गेट वन में इसको बाय करो। 550 rupees की है तो अगर आप 550 rupees की जैसे एक लिपस्टिक है तो आपको बाय वन गेट वन में लोगे तो ये आपको बहुत ही सही प्राइस में पड़ जाएगी। अगर आप सिंगल लोगे तो 550 लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगी, बट आई थिंक वर्थ है इस लिपस्टिक का प्राइस बिकॉज हम लोग इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक्स लेते हैं बट उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब कि वो या तो वो उतना स्टेइंग पावर अच्छा नहीं होता, या तो उसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी एंड
इसके जो शेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास जो दो शेड है ये तो मेरे दोनों वन ऑफ द फेवरेट है, एक तो ये पिंक मॉवी शेड जो हो गया है, एंड नेक्स्ट वन ये तो डेली वेयर में आप कैसे भी, अगर आप कॉलेज गर्ल्स हैं या फिर आपको इस तरीके के लिपस्टिक जो ब्राउन में पसंद हो ना, तो डेफिनेटली मैं ये शेड हाईली रिकमेंड करूँगी, 05 कॉफी केक। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play.